नमस्कार। समसामयिक विषयों पर चर्चा आधारित कार्यक्रम बीच बहस में मैं राकेश वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज के कार्यक्रम में भी हम आपके समक्ष एक नए विषय पर चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी चर्चा राजस्थान के वर्तमान सियासी हालातों को लेकर है। आज की चर्चा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक हालातों और राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यक्रमों का असर हमें अगले साल 2023 में होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों में किस तरह देखने को मिलेगा। प्रदेश की वर्तमान राजनीति के विभिन्न पहलुओं की बात करें तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की लगभग 3500 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा अभी मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में लगभग 6 दिसंबर को प्रवेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रदेश सरकार के खिलाफ 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक 10 दिवसीय जन आक्रोश यात्रा निकाले जाने का कार्यक्रम घोषित हुआ है। इसके अलावा एक पहलू यह भी है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू से भी सत्ताधारी दल की अंदरूनी राजनीति अपने उबाल पर है। तो इसके साथ एक बात यह भी है कि दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय बैसला ने गुर्जर समुदाय संबंधी किन्हीं मांगों को ना मांगे जाने को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी है। आज की चर्चा में हम प्रदेश की राजनीति के इन विभिन्न पहलुओं को एक साथ समग्र रूप से देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि यह सब पहलू एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं और प्रदेश की राजनीति को किस तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आज इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोदा जी। गोदा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार गोदा जी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश की वर्तमान राजनीति के जिन पहलुओं की बात मैंने अपनी ओपनिंग में कही है उनमें ऐसा क्या अतिरिक्त आप जोड़ना चाहेंगे। इसके साथ ही आप हमें स्पष्ट करें कि यह सब पहलू एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं और प्रदेश की राजनीति को किस तरह प्रभावित रखने की क्षमता रखते हैं। देखिए राकेश जी, 17 दिसंबर को सरकार की चौथी वर्षगांठ है जी, और इसी के साथ राजस्थान जो है चुनावी वर्ष में प्रवेश कर जाएगा जी। और आमतौर पर चुनावी वर्ष की जब शुरुआत होती थी अब से पहले तक, तो हम देखते थे कि चुनावी वर्ष के शुरुआती के बाद के 5 या 6 महीनों के अंदर कुछ मोमेंटम बनता था जी। पर अब की बार ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव में बहुत जल्दी प्रवेश कर गए हैं। चुनाव के उस पूरे माहौल में कुछ एक उसमें बहुत सारी चीजें, यात्रा है, 2 यात्राएं एक साथ साइमल्टेनियसली निकलने वाली हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं प्लस जन आक्रोश यात्रा है जी। 5 दिसंबर को सरदार शहर का उपचुनाव भी है, बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण चीज बीच में और हुई है। तो इन सारी चीजों में और उसके अलावा देखिए चुनावी वर्ष की अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है चुनावी मतलब सियासी नजरिए से देखा जाए तो एक साथ बहुत सारी चीजें उसमें चलेंगी जी। और जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस में चल रहा है, अंदरूनी कलह जिस तरह की हम देख रहे हैं और जो बयानबाजी और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उससे को बहुत अलग नहीं है। राजस्थान के अंदर चेहरों की लड़ाई यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें मिल मिला करके बहुत एक ऐसी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि आने वाला एक साल राजस्थान की राजनीति में और राजनीतिक रूप से सुर्खियों में रहने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत सारी नई चीज़ें हम आने वाले एक साल में राजस्थान में देखेंगे और जब मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह का मोमेंटम बना है चुनावी वर्ष का, मुझे लगता है कि शायद जब 2023 का दिसंबर आएगा और जब चुनाव अपने उस पर आ जाएंगे तब तक राजस्थान की राजनीति बहुत अलग तरह से पूरे देश के सामने आएगी। इस तरह की स्थिति गोदा जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के दौरान पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पीछे खड़ी नजर आती है, लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस कम से कम 2 धड़ों में तो बटी नजर आती है। आप प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को किस तरह देखते हैं और धड़ों में बटी इस कांग्रेस को आने वाले चुनावों में किस तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं? देखिए जिस तरह के हालात बने हैं जी, मतलब पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं लगातार, जब से सरकार सत्ता में आई है तब से सरकार के अंतर्द्वंद खत्म नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते द्वंद से ज्यादा उसे कलह कहा जाता है। कलह, हाँ बिल्कुल। और जिस तरह की स्थिति, मतलब अब ये कलह के रूप में ही आ चुकी है, द्वंद तो था वो अब कलह बन चुका है। तो वो स्थितियां जो बनी है वो बहुत ही, मतलब पार्टी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि काफी चिंताजनक है। पार्टी किस रूप में उसे देखती है मुझे नहीं पता। दावे वो दुनिया भर के करते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन
पार्टी मतलब ये एक वर्टिकल डिवाइड है जो मतलब पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक दिखता है कहीं ना कहीं, वो शुरुआत से ही जब से सरकार सत्ता में आई है तब से है, बल्कि उसके पहले से भी हम देखते हैं कि जब सचिन पायलट ने राजस्थान की कमान संभाली थी आज के 6 साल पहले 7 साल पहले तब से लेकर के आज तक ये चीज़ हम देख रहे हैं लगातार 4 साल से लगातार है, और अब कलह जैसा आपने कहा कि कलह बन चुका है, और आगे आने वाला एक साल मुझे लगता है कि अभी की जो स्थिति है उसमें भी कोई बहुत अंतर आने वाला नहीं है। राहुल गांधी यात्रा लेकर के आ रहे हैं, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दोनों नेता हमारे लिए असेट है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब एक नेता के रूप में इसके ज्यादा वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, उनको एक चूंकि संरक्षक की भूमिका में है पार्टी में तो यही कह सकते थे, लेकिन अंदरूनी स्थिति बहुत खराब है पार्टी की अभी की स्थिति में जो देखा जाए, और आने वाले एक साल में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मान लीजिए सुलह हो भी जाती है और पार्टी लगता है कि कहीं ना कहीं एक साथ हो भी जाती है, तो लेकिन जो जो बीज पड़ चुके हैं और जिस तरह की मनमुटाव, और हालांकि आज मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मतभेद है मनभेद नहीं है, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ इंटरव्यू के अंदर और जो कुछ कहा गया एक दूसरे के लिए, मुझे लगता है कि मनभेद भी है कहीं ना कहीं। नहीं, आपने ठीक कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाहे ये कहा हो कि मनभेद है मनभेद नहीं है, लेकिन अभी एक निजी टीवी चैनल को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, और ऐसा उन्होंने इंटरव्यू तब दिया जब पार्टी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि इस विषय में कोई भी धड़ा किसी तरह की कोई बात नहीं करेगा, तो इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए थे और जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन शब्दों के लिहाज से आप तल्खी को किस तरह देखते हैं कि तल्खी किस स्तर पर पहुंच गई है? देखिए, मैंने यही कहा ना कि आप ये कह रहे हैं कि मतभेद है मनभेद नहीं है, लेकिन जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो मनभेद की ही तरफ इशारा करते हैं कि आप मतलब बहुत हद तक जो है वो पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे को या देखना नहीं चाहते, तो वो जो स्थिति बनी है और वो निचले स्तर तक जाती है जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं पार्टी के, और जब सोशल मीडिया पर जिस तरह की बहस हम देखते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में और दोनों धड़ों के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो उससे लगता है कि ये डिवाइड जो हुआ है ये सिर्फ ऊपर के लेवल पे नहीं है, पार्टी पिछले निचले स्तर तक जाकर के पार्टी कहीं ना कहीं डिवाइड हुई है। तो ये जो स्थिति बनी है, पार्टी चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रही है और प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और चुनावी वर्ष की शुरुआत हो रही है पार्टी के जो संरक्षक नेता माने जाते हैं राहुल गांधी की यात्रा के साथ। अब इसमें यदि इससे पहले इस तरह का इंटरव्यू आना और फिर इस तरह की बातें होना और जो कुछ भी हो रहा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आला कमान जो इनका है कांग्रेस का, उसकी तरफ से इस तरह के स्पष्ट निर्देश हैं। जयराम रमेश इस बात को कह चुके हैं, केसी वेणुगोपाल इस बात को कह चुके हैं, फिर भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में लगभग प्रवेश करने की स्थिति में है तब इस तरीके का बयान दिया गया, जबकि अब तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू की टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस समय इस तरह का बयान सामने आना, इस तरह का इंटरव्यू सामने आना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पार्टी में पार्टी ने जो इंडिसाइसिवनेस है पार्टी की, जो आलाकमान के स्तर पे, आप बयान भले ही दे रहे हैं केसी वेणुगोपाल ने 25 सितंबर की जो घटना हुई थी उसके 4 दिन बाद कहा था कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा, कुछ भी नहीं, 2 महीने हो चुके हैं उस बात को। खड़गे जी आ चुके हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जयराम रमेश बोल रहे हैं पर पार्टी अभी भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इंडिसाइसिवनेस है पार्टी की और जो कुछ चल रहा है उसी की वजह से बार बार ये चीजें बीच में सचिन पायलट बोले थे, फिर अब खुद मुख्यमंत्री बोले हैं, और जो जो गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, जब उनकी सुविधा होती है तब वो गाइडलाइन आ जाती है, और जब वो नहीं होती है, जब उन्हें बोलना होता है तो वो बोल देते, तो गाइडलाइन की स्थिति पार्टी के आलाकमान की गाइडलाइन की स्थिति ये है। गुदा जी, चुनावों में तो फिर भी अभी लगभग 1 साल पूरा बचा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी तो अभी आ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा पे इस तरीके के बयानों का क्या असर होने वाला है? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। देखिए, आप ये कह सकते हैं ठीक है पार्टी की यात्रा है और पार्टी के बड़े नेता की यात्रा है, तो हो सकता है कि पार्टी उस समय एकजुट दिखे, ये भी एक संभावना है, इसमें आप इसको यूं रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी उनके सामने तो कम से कम ये दिखाना चाहेगी, लेकिन जो निचले स्तर तक कार्यकर्ता में जो डिवाइड हो चुका है उसका असर तो दिखेगा, और जिस रूट से यात्रा जा रही है आप उस रूट को भी देखेंगे तो वो ये माना जाता है कि जो सचिन पायलट के होल्ड वाला पूर्वी राजस्थान से जो वो निकल रही है तो वो उनके होल्ड वाला रूट माना जाता है, दौसा से यात्रा जाने वाली है, दौसा तो सचिन पायलट का संसदीय क्षेत्र रह चुका है, गुजर बहुल इलाका है, तो वो जो सारी चीजें और गुजरों का जिस तरह का नाराजगी दिख रही है सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति, उनके नेताओं के प्रति, पुष्कर में जो कुछ 2 महीने पहले हुआ था वो सबने देखा था, तो मुझे लगता है कि ये असर कहीं ना कहीं डालेगा जब यात्रा यहाँ से निकलेगी। हो सकता है कि हम कोई भगवान ना करे लेकिन
हो सकता है कि कुछ इस तरह की घटनाएं भी हम देखें जो कि नहीं देखनी नहीं चाहिए, राजस्थान की राजनीति जी। प्रदेश भाजपा भी प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक यात्रा का आयोजन कर रही है। उन्होंने एक कार्यक्रम घोषित किया है जन आक्रोश यात्रा का। 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं कि क्या यह यात्रा राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा को काउंटर करने के लिए है या उन्होंने चुनावी बिगुल बजा दिया है उसकी तैयारियों को? देखिए दोनों चीज़ें हैं। राहुल गांधी की यात्रा एक तरफा मीडिया टेंशन अटेन ना करे, एक तो ये भी है उद्देश्य है। दूसरी दो उद्देश्य है वो है पार्टी, चूँकि सरकार के 4वीं वर्षगांठ 17 दिसंबर को आने वाली है तो चुनावी वर्ष की शुरुआत के समय पार्टी की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन लाजमी है। प्रमुख विपक्षी दल है यहाँ पे, तो उनके तरफ से इस तरह का विरोध प्रदर्शन होना एक जायज सी बात है और होना भी चाहिए था। तो उसी दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि पार्टी ने एक जनाक्रोश यात्रा का आयोजन किया है। 1 दिसंबर से जनाक्रोश यात्रा शुरू होनी है, JP नड्डा आने वाले हैं। तो ये जो लगता है इसके दोनों उद्देश्य हैं, तीन बल्कि मैं कह सकता हूँ, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा को काउंटर करना, दूसरी तरफ सरकार का विरोध करना और तीसरी तरफ चुनावी बिगुल बजाना। एक तरह से ये एक चुनाव की शुरुआत है पार्टी की तरफ से कि हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और धमाकेदार प्रवेश, या कह सकते हैं कि एक पूरे विरोध प्रदर्शन के साथ प्रवेश हम करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष में प्रवेश करेंगे उसके लिए यात्रा है, लेकिन अभी राजस्थान में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है सरदार शहर की, जो भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। वहाँ मुकाबला लगभग त्रिकोणीय होने जा रहा है क्योंकि हनुमान मेलीवाल की पार्टी RLP ने भी वहाँ अपना एक उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहाँ जाट और ब्राह्मण दो मतदाता बहुसंख्यक हैं। ऐसी स्थिति में आप उस चुनाव को किस तरह देखते हैं, क्योंकि राजकुमार रिणवा को भी उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया है, वापस ले लिया है, उनकी घर वापसी हो गई है। इसके अलावा एक जाट नेता है उनको भी कांग्रेस से वापस लिया है उन्होंने। उस चुनाव को आप और उस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए सरदार शहर का चुनाव वैसे तो सहानुभूति लहर का चुनाव है जी। भंवरलाल शर्मा वहाँ के निर्विवाद नेता रहे हैं लंबे समय तक और उनके पुत्र को टिकट दे करके कांग्रेस ने जो पिछले उपचुनावों की जो एक मोमेंटम बना हुआ था पार्टी का उसी को आगे रिपीट किया है उन्होंने। तो निश्चित रूप से, और कांग्रेस BJP वहाँ पे हमेशा मुश्किल में रही है पार्टी, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए BJP के लिए वहाँ थोड़ी मुश्किलें हैं और त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है इसमें कोई शक नहीं, तो हो सकता है कि उसका कुछ फायदा मिले। जो दो लोग आए हैं अभी वो दोनों उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके आने का भी एक कहीं ना कहीं पार्टी बेनिफिट उठाना चाहेगी, चूंकि बिल्कुल चुनाव से पहले ये हुआ है। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला है इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी कांग्रेस एज पे तो दिखती है, कांग्रेस एडवांटेज में तो दिखती है क्योंकि वहाँ पे सहानुभूति लहर की बात है और अनिल शर्मा उनके बेटे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने, मतलब बीजेपी ने मुकाबले को थोड़ा सा रोचक बनाया है। प्लस हनुमान बेनीवाल के जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं उन्होंने इस मुकाबले को थोड़ा रोचक बनाया। निर्णय जो भी होगा मतदाता करेगा वो इंटरेस्टिंग होगा। बीजेपी के नज़र से देखा जाए तो ये जीत इम्पोर्टेंट है बहुत जी। यदि इस चुनाव में वो जीत हासिल करते हैं तो एक मोमेंटम सेट होगा पार्टी के लिए आगे के चुनाव, जो 2023 का चुनाव होने वाला है उसके लिए। तो वो उस दृष्टि से बीजेपी के लिए जीत इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो यही माना जाएगा कि सहानुभूति लहर के जरिए। राजस्थान में ऐसा हुआ भी है, पहले भी जब दो तीन जगह इस तरीके के चुनाव हुए, चाहे प्रीति सत्तावत चुनाव जीती हो, चाहे किरण माहेश्वरी की बेटी चुनाव जीती हूँ, ऐसा हुआ है तो उनके लिए तो कहा जाएगा सहानुभूति लहर में जीते। लेकिन यदि बीजेपी चुनाव को जीतती है तो उनके लिए चुनाव बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था मैं उसी को आगे एक्सटेंड करता हूँ कि हनुमान बेनीवाल ने जो अपना कैंडिडेट वहाँ उतारा है RLP की तरफ से, वो इस चुनाव को किस तरह प्रभावित कर सकता है? देखिए जाट मतदाता बाहुल्य इलाका है और दोनों पार्टियों ने जाट मतदाता को नहीं उतारा है आप देखें तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो RLP ने अभी जो पहले चुनाव हुआ था अपना सुजानगढ़ के अंदर, वहाँ भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया था, वहाँ भी एक वही वाली स्थिति थी, सहानुभूति लहर वाली स्थिति थी, वहाँ पे उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। तो यहाँ पर देखने वाली बात इंटरेस्टिंग होगी कि जब उन्होंने जाट उम्मीदवार उतारा, पार्टी मतलब वहाँ पे जाट मतदाता काफ़ी संख्या में है, तो वो किस हद तक इस चुनाव को इफेक्ट डालते हैं और किस पर इफेक्ट डालते हैं, किस पर इफेक्ट डालते हैं, मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि वो अल्टीमेटली फिर बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं कि या कांग्रेस की वोट बैंक में भी कहीं से इनमारी करके बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग। मनीष जी, सरदार शहर में चुनाव 5 दिसंबर को है और नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं। इन नतीजों को लेकर गुलाबचंद कटारिया ने एक बयान दिया है, वो नेता प्रतिपक्ष, उनके बयान के
बड़े मायने हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि उनके बयान के किस तरीके के मायने हैं। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि कांग्रेस में बड़ा उलटफेर 8 दिसंबर के बाद होने वाला है। देखिए, उन्होंने जो 8 दिसंबर की बात कही है, मुझे लगता है कि दो चीज़ों के लिए उन्होंने कही है कि एक तो गुजरात का चुनाव जो है, वो गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव हैं उनके चुनाव परिणाम भी उसी दिन आएंगे 8 दिसंबर को। और चूंकि जो कांग्रेस में अब तक बदलाव की हम अटकलें लगाते रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन की जो चेंज ऑफ गार्ड की हम बात करते रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये बताया जाता रहा था कि गुजरात का चुनाव है और अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर है वहाँ के, तो इस वजह से पार्टी अभी गुजरात के चुनाव तक इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती राजस्थान को। तो उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है कि उसमें दोनों चीजें शामिल थी, सरदार शहर का चुनाव भी शामिल था, प्लस गुजरात का जो इलेक्शन है उसका जो रिजल्ट है उसको भी कहीं ना कहीं वो शायद इसमें जोड़ करके फिर बात कर रहे थे गुजरात में। लेकिन मुझे लगता है कि 8 दिसंबर के बाद भी शायद ना हो, क्योंकि उस समय राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में रहेगी। जी, तो 8 दिसंबर के बाद मुझे लगता है कि शायद 16, 17, 18 दिसंबर तक हमें कुछ वेट करना पड़ेगा, फिर 17 दिसंबर को सरकार की वर्षगांठ आ जाएगी। तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि या तो कुछ होगा, तो जहां तक मुझे लग रहा है या तो यात्रा के आने से पहले पहले कुछ हो जाएगा, और या फिर होगा तो शायद यात्रा के जाने के बाद। नहीं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनावी वर्ष में, चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, किसी भी तरीके के रूमर्स चलते रहें कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले हैं, कांग्रेस इस तरीके का कोई रिस्क लेगी किसी भी तरीके का फेरबदल करने का? क्योंकि वो पहले पंजाब में ऐसा करके देख चुके हैं, तो उनके नतीजे उनके खिलाफ ही थे, उल्टा पार्टी का क्या हश हुआ ये सबके सामने। तो क्या राजस्थान को पंजाब बनाने के लिए सोच सकता है लगामान? कि राजस्थान और पंजाब की स्थितियों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। मतलब अमरिंदर सिंह लगभग तय कर चुके थे कि वो बाहर जाएंगे और उनके साथ जो कुछ हुआ, अशोक गहलोत उस स्थिति में नहीं है। अशोक गहलोत की स्थिति कुछ डिफरेंट है, अमरिंदर सिंह पार्टी में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे जितने कि अशोक गहलोत है। उनकी जो गांधी परिवार से नज़दीकियां हैं, जो निकटता है और जो पार्टी के प्रति उनका एक समर्पण भाव है, वो अमरिंदर सिंह जितना नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंस है, और उसी वही चीज़ जो है राजस्थान की स्थिति को कॉम्प्लिकेट बना रही है। पंजाब के लिए कांग्रेस के पास फैसला करना आसान था, पर राजस्थान में जैसा कल राहुल गांधी ने भी कहा कि हम अशोक गहलोत को भी नहीं छोड़ सकते और सचिन पायलट को भी नहीं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एसेट बताया पार्टी के लिए, तो इसलिए राजस्थान का फैसला करना पार्टी के लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है। पंजाब में वो इजीली फैसला कर गए थे, लेकिन राजस्थान के लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर ये चुनावी वर्ष में फैसला करना, या तो होगा तो अभी हो जाएगा यदि जो भी होना है, जो मुझे लगता है कि एक वर्ष रहते रहते, वरना मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के लिए इतना आसान है, कांग्रेस के लिए इतना आसान है राजस्थान के बारे में फैसला करना। एक राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम और चल रहा है राजस्थान में, और विशेषकर पूर्वी राजस्थान में। दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल करूड़ी सिंह बैसला के पुत्र हैं विजय बैसला, वो किन्हीं मांगों को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दे चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी किस तरीके की मांगें हैं और उनकी मांगों के संबंध में अब तक क्या हुआ है, क्योंकि शायद उन्होंने 28 नवंबर को सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता की थी, फिर एक वार्ता उनकी 29 नवंबर को होने वाली है, लेकिन 28 नवंबर की वार्ता में तो कुछ निकला नहीं था। तो उनकी मांगें क्या हैं, और उनकी उनके विरोध करने से अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई भारत जोड़ो यात्रा पर या कांग्रेस की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, गुर्जर आंदोलन तो राजस्थान की मतलब एक ऐसी पहचान बन चुका है कि जिसमें क्या कहा जाए। हाँ। तो और वो चीज़ बार बार उठ करके आती भी है, और अब चूंकि विजय बैसला, किरोड़ी सिंह बैसला है नहीं, तो विजय बैसला उसके कमान संभाले हुए, उन्होंने जो यात्रा का विरोध की बात कही है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो सचिन पायलट से जुड़ा हुआ है, जो कि गुर्जर समाज की मांग है कि सब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक तो वो उस मांग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा वो गुर्जर समाज की जो डिफरेंट डिमांड्स हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो 2019 और 20 में सरकार ने समझौता किया था, और उस समझौते के कई बिंदु हैं जिन पे अभी तक सरकार ने काम नहीं किया है। उसके बारे में एक बार दौर की वार्ता हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है। तो पहले दौर की वार्ता के बाद जो उन्होंने बात कही थी, उन्होंने यही कहा था कि हम सरकार को समय दे रहे हैं दूसरी वार्ता के समय तक का, यदि उन्होंने सरकार ने कुछ किया तो हम साथ में जाएंगे सरकार के, अदरवाइज हम विरोध करेंगे। अब यदि विरोध होता है, और गुर्जर समाज का विरोध का तरीका हम देख चुके हैं पहले, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो यदि वैसा कुछ विरोध सामने आता है तो निश्चित रूप से सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी इस यात्रा को सकुशल यहाँ से
पास आउट कराने निकालने के लिए, तो ये एक मुझे लगता है कि यदि उस ढंग से कोई विरोध सामने आता है तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस बात की कितनी संभावना है कि गुर्जर इस बार राहुल गांधी का उस तरीके का विरोध कर सकते हैं, आपको लगता है इस तरीके का विरोध किया जाएगा? मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं, यदि जहाँ तक है सरकार साथ लेगी, मतलब मुझे तो लग रही है जिस तरह की स्थिति लग रही है सरकार बहुत हद तक उनकी बातें मान के बहुत हद तक, लेकिन ये एक पहलू है जैसे मैंने कहा, जो दूसरा पहलू है जो कि सचिन पायलट से जुड़ा हुआ है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा? पर मनीष जी ऐसा तो चल नहीं सकता ना कि आपको ऐसे, तो राजस्थान में हर तरीके का समाज अपने अपने कैंडिडेट लेके आ जाएगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाओ उनको मुख्यमंत्री बनाओ, तो लोकतंत्र में तो ऐसा होता है नहीं ना। देखिए अब ये चीज जब पिछले चुनाव से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई, 2018 के अंदर यदि आप देखें तो पूर्वी राजस्थान से बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी जी, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि गुर्जरों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना को देखते हुए एकमुश्त कांग्रेस के समर्थन में वोट दिया था जी, और वहाँ इलाका गुर्जर बहुल्य इलाका है इसमें कुछ शक नहीं। तो उनकी जो डिमांड है और वो जो कुछ देख रहे हैं या जो कुछ हो रहा है या इस तरह की बयानबाजी हो रही है उसके, ठीक है बात तो सही है कि आप अपना समाज का, बहुत सारे समाज हैं, हाँ, इस क्यों इस तरह से आप सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, प्रदेश को ब्लैकमेल नहीं कर, लेकिन ये मतलब आप इसको ब्लैकमेलिंग से अलग ढंग से देखिए कि उनकी एक अपेक्षा है कि हमारा समाज का एक व्यक्ति वो वहां तक पहुंचा फिर रह गया, तो वो जो अपेक्षा है वो जो सारी चीजें हैं मुझे लगता है वो शायद कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं धीरे धीरे और वो दिक्कत कर रही है। गोदा जी एक महत्वपूर्ण सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर है कि जनाक्रोश यात्रा की लॉन्चिंग के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 दिसंबर को जयपुर आने वाले हैं, क्या माने भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है? राहुल गांधी की यात्रा को सीरियसली, देखिए सीरियसली तो लेना नहीं, पड़ता है, राहुल गांधी को सीरियसली लेना, हाँ बिल्कुल राहुल गांधी को सीरियसली लेने की जहाँ तक बात है पार्टी इग्नोर नहीं कर सकते, पार्टी बताती है कि हम इतना सीरियसली नहीं ले सकते, लेकिन इस यात्रा ने जिस तरह का एक माहौल बनाया है अभी तक देश के अंदर तो उससे पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ चिंता का विषय भी है, और मुझे लगता है कि शायद जो चुनाव राजस्थान का है क्योंकि राजस्थान से वो गुजरने वाले हैं तो इसीलिए, और जनाक्रोश यात्रा, देखिए जनाक्रोश यात्रा के 2-3 पहलू हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी का विरोध नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान में सरकार की जो 4 साल है उसको भी है, और प्लस पार्टी चूंकि चुनावी वर्ष में प्रवेश करे तो निश्चित रूप से यदि पार्टी के अध्यक्ष आते हैं तो एक कार्यकर्ता के बीच में एक संदेश जाता है कि पार्टी जो है एक बड़े पैमाने पर और बड़े स्तर पर चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रही है और अब आपको उस तरह से गियर अप होना है, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उनके उनके आगमन से जुड़ी हुई है। गोदा जी जिस तरीके का लीडरशिप को लेके कांग्रेस में क्राइसिस है गाये बगाए, कई बार प्रदेश भाजपा में भी हमें इस तरीके की बातें सुनने को पढ़ने को देखने को मिलती हैं। अभी 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जयपुर आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नरेंद्र मोदी और कमल के निशान पे चुनाव लड़ेगी, उनके बयान के क्या मायने और प्रदेश भाजपा के नेता उसे किस तरह देखें? देखिए जिस तरह की स्थिति बनी है जी, मतलब कांग्रेस में जो स्थितियां हैं जी, भारतीय जनता पार्टी में वो स्थितियां उतनी मुखर रूप से सामने नहीं है लेकिन अंदरूनी स्तर पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गुट, जहाँ पे प्रदेश संगठन का गुट, उसके अलावा बाकी जो नेता हैं जो 3-4 हमारे केंद्रीय मंत्री हैं या जो बाकी सब लोग हैं, क्योंकि सरकार आती दिख रही है तो इस तरह की वहाँ पे जो टसल है या चेहरों की जो लड़ाई है वो एक स्वाभाविक सी बात है, हर एक राजनीतिक दल में होती भी है, वही वहाँ पे चल भी रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इसी को टालने के लिए या कि इसी के बारे में इस पर लोगों का ध्यान ना जाए या जो कुछ भी है उस, इसलिए वजह केंद्रीय नेता ये कह रहे हैं कि कमल का निशान और प्रधानमंत्री का काम ये हमारे चेहरे रहेंगे, ये एक एक बहुत सेफ वे आउट भी है पार्टी के लिए उस पूरे टसल को या उस चेहरों की जो लड़ाई है उससे अलग एक एक पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में मैसेज देने के लिए। और देखिए एक बहुत एक एक डिफरेंट चीज़ ये भी है पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस की तरह नहीं है, कांग्रेस में एक एक सिस्टम चलता है कि वहाँ पे नेता के साथ कार्यकर्ता जाता है, हम दूसरे प्रदेशों में देख चुके हैं शरद पवार ममता बनर्जी बड़े शत्रप बने थे, पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने बड़ी पार्टियां बना ली अपनी। भारतीय जनता पार्टी में आज भी एक स्थिति बनती है कि कमल का निशान और काडर बेस्ड पार्टी तो पार्टी निशान के साथ जाती नहीं है। आपने ये बात ठीक है कि कांग्रेस शायद टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल इसके उलट बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। इसी सवाल को हम एक्सटेंड करें तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पार्टियों में लीडरशिप का क्राइसिस
होता ही क्यों है। ये बात ठीक है कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लोग पदों पर सुशोभित होना चाहते हैं, लेकिन क्या पार्टियों के पास इस तरीके के कोई SOP नहीं है कि किस तरीके से किस लीडर को कितने दिन हमें रखना है और कब कब इनको आउट कर देना है और नए चेहरों को सामने लेके आना है? ऐसा होता क्यों है? क्या प्रदेश कांग्रेस के पास अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है? देखिए, ये एक बहुत लंबी बहस का विषय भी है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है अपने आप में, क्योंकि जिस तरह की राजनीति पिछले 70 साल में हम देखते आए हैं ना जी, उसमें चेहरों की राजनीति का अपना एक महत्व रहा है। ठीक, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के फिर बाद में इंदिरा गांधी, फिर बाद में राजीव गांधी, और फिर बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी और अपना वर्तमान में नरेंद्र मोदी। तो चेहरों की राजनीति रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रदेशों में भी जो है, जब मुख्यमंत्री के चेहरे सामने रखे जाते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है सामने, लोगों के बीच में एक संदेश भी जाता है। तो ये जो SOP की आप बात कह रहे हो कि ये काडर बेस्ड पार्टियों में संभव है, चलता है। जैसे माकपा की जब बात करते हैं, मार्क्सवादियों की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे चलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर नहीं होता, बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी आपने। तो हम हमारे सभी दर्शकों को बताएंगे कि मनीष गोधा जी ने जिस तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम पे अपना प्रकाश डाला है, उससे आपको राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक हालातों को समझने में मदद मिली होगी। मनीष जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।